हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IAS संसारी में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली की VET की मुख्य परीक्षाओं के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपके VET के मेन एग्ज़ाम कब हो पाएंगे, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। यदि आप भी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो आज की वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। दोस्तों, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से संबंधित लेटेस्ट न्यूज के लिए सबसे पहले गूगल पर आकर आपको सर्च करना है latestjobforyou.com, इस टैब से लिखकर आपको गूगल पर सर्च करना है। उसके बाद यहाँ आपको फर्स्ट वाली वेबसाइट देखने के लिए मिल जाएगी, www.latestjobforyou.com। ठीक है, इस फर्स्ट वाली वेबसाइट को यहाँ से आपको ओपन कर लेना है। इसके अलावा इस वेबसाइट के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दी गई, वहां से भी आप इस वेबसाइट पर आसानी से विजिट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाते हैं, यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलने वाला है MGPIU एडमिट कार्ड रिजल्ट 2020, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से संबंधित सभी लेटेस्ट न्यूज़ लगातार प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते होंगे। इसके साथ ही इस वेबसाइट के माध्यम से यहाँ से आप अपने सभी कोर्स के रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ऑल कोर्स एग्ज़ाम स्कीम क्लिक कर यहाँ से अपनी एग्ज़ाम स्कीम डाउनलोड कर सकते हैं। MSc, MEd, BPEd, VLEd जैसे कोर्सेज में एडमिशन के लिए क्लिक कर यहाँ से क्लिक हर पर क्लिक करके आप इंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट 15 मई निर्धारित की गई है। और इसके साथ ही बात कर लेते हैं आज की न्यूज़ के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट्स के यहाँ पर कमेंट्स आते हैं कि हमारे जो VET के मेन एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, VET फर्स्ट ईयर, VET सेकेंड ईयर, ठीक है, दोनों ही यहाँ पर ईयर के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। पहले क्या था, आपकी जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के एग्ज़ाम चल रहे थे, जो कि अप्रैल के मंथ में यहाँ पर समाप्त होने वाले थे, उसके बाद आपकी जो VET की मुख्य परीक्षाएं थी वो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टार्ट होने वाली थी। बट अभी फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा, इस समय लॉकडाउन की वजह से रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के एग्ज़ाम हैं वो बीच में ही रोक दिए गए, ठीक है, उन्हें पोस्टपोन्ड किया जाता है। और जैसे ही यहाँ पर लॉकडाउन समाप्त होगा, शासन के निर्देश के अनुसार ही अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की जो कोर्सेज की परीक्षाएं पहले उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी और पहले वही परीक्षाएं यहां पर कराई जाएंगी। और यहां पर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, विश्वविद्यालय परीक्षाएं लॉकडाउन के बाद 3 पॉलियों में, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का यहां पर कहना है, जो कि उत्तर प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की जो परीक्षाएं हैं वो यहां पर करा ली जाएंगी। उसके बाद यहां पर अभी आपको पता ही होगा 3 मई तक लॉकडाउन है, जिस वजह से 3 मई तक किसी भी टाइप का कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। 3 मई के बाद आपका क्या है, जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से निर्देश मिलेंगे, आदेश मिलेंगे, उसके बाद रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की जो कोर्सेज की परीक्षाएं हैं वो लगभग 10 मई के बाद स्टार्ट कराई जाएंगी। 10 मई के बाद ऐसा कुलपति जी ने भी न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी दी थी, जो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं, ठीक है, प्रोफेसर अनिल शुक्ला जी। तो उन्होंने अभी 3 से 4 दिन पहले न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी दी थी कि हमारी जो परीक्षा है वो 10 मई के बाद हम यहाँ पर आयोजित करेंगे। ऐसे में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की जो परीक्षाएं पहले रह गई थी, पहले उन्हें कंप्लीट किया जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, आपको बताया होगा 15 अप्रैल से प्रोफेशनल कोर्सेज की परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली थी, तो वो परीक्षाएं भी अब नहीं हो पाई हैं, 3 मई तक वो परीक्षाएं भी नहीं होंगी, तो उन्हें भी पहले प्राथमिकता दी जाएगी कि पहले प्रोफेशनल कोर्सेज की जो परीक्षाएं हैं वो यहाँ पर संपन्न कराई जाएँ। यदि इन सब एग्ज़ाम को यहाँ पर देखें तो मई का पूरा मंथ यहाँ पर समाप्त हो सकता है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की परीक्षाएँ में और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की जो परीक्षा रह गई उनमें और प्रोफेशनल कोर्सेज के एग्ज़ाम में, ठीक है। और उसके बाद आपकी जो VET की परीक्षाएं हैं वो यहाँ पर कंडक्ट की जाएंगी। तो ऐसे में मान लीजिए आपकी जो VET की परीक्षाएं हैं वो मई के लास्ट वीक में या तो कंडक्ट होंगी, ठीक है, मई के लास्ट वीक में आयोजित हो सकती हैं, या फिर जून के फर्स्ट वीक में ही यहाँ पर हो पाएंगी। लेकिन अभी पूर्ण रूप से इस पर सहमति नहीं बन पाई है कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो फाइनली कब से स्टार्ट होंगी, क्योंकि आगे जो भी स्थिति होगी उसके आधार पर ही यूनिवर्सिटी कोई फैसला लेगी कि आपकी जो परीक्षाएं रह गई हैं वो कब से स्टार्ट होंगी। उसके लिए बाकायदा आपका टाइम टेबल जारी किया जाएगा। पहले अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की जो परीक्षाएँ छूट गई थी, पहले उन्हें आयोजित कराया जाएगा, उसके बाद ही आपकी जो VET की परीक्षाएँ हैं वो आयोजित कराई जाएंगी। तो ऐसे में आपकी जो VET की परीक्षाएँ उसे आप मानकर चल सकते हैं कि जून के मंथ में ही यहाँ पर कंडक्ट हो पाएंगी,
भी फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो सकती हैं, और जैसी भी स्थिति होगी उसके आधार पर ही आपकी जो परीक्षाएँ हैं वो कराई जाएंगी। आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहेगा, जब भी यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा आपके एग्ज़ाम के बारे में, आपके एडमिट कार्ड के बारे में आपको हमारे चैनल पर पूरी तरह से जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपने अदर फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से संबंधित और भी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।